Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Cafe 26 Crown, opposite ESIC Hospital. Coffee, sandwiches, pizza, Italian, Mexican dishes, सभी यहाँ पर मिलते हैं. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की. सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में रहे और उन्होंने चंद्रयान 3 की टीम से मुलाकात की और ख़ास करके सभी लोगों को उन्हें फेलिसिटेट भी किया और मुबारकबाद भी दी. जहां और उन्होंने कहा कि अगस्त 23 एक रहेगा अब नेशनल स्पेस डे. इंडिया का नाम रोशन करने के लिए और इस तरह से चांद पर जाने का जो चंद्रयान 3 का जो मिशन था वो कामयाब होते नजर आ गया और जिसकी वजह से नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा अगस्त 23 को. वहीं एक तरफ पीएम मोदी ने नारी शक्ति के बारे में बात की है, दूसरी तरफ जो है नारी शक्ति क्या कर रही है वो देख सकते हैं. एक टीचर का वीडियो काफी वायरल होते नजर आ रहा है जहां पर एक मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ मारा जा रहा है. उसके साथ ही जो नॉन मुस्लिम बच्चे हैं, जितने भी जो नॉन माइनॉरिटी बच्चे हैं, उनके हाथ से थप्पड़ और उनके कमर पर मारा जा रहा है. बच्चा कितना बहुत ही गमगीन हो चुका है. इस तरह का वीडियो यूपी से काफी वायरल होते नजर आया है. जब ये मामला चला पुलिस स्टेशन तक जब बात गई कि पेरेंट्स ने कंप्लेंट देकर वापस ले ली कि उन्होंने कहा कि योगी सरकार में हमें इंसाफ तो मिलेगा नहीं. इस पर असदुद्दीन अवैसी ने भी बड़ा बयान जारी किया है. असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अब योगी जी का बुलडोजर नहीं चलेगा क्या. इस टीचर के तृप्ति त्यागी के वीडियो पर उन्होंने ये बात कही. उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए तेलंगाना में. तेलंगाना के चेवल्ला में वो नजर आए जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पब्लिक मीटिंग को उन्होंने एड्रेस किया. तो उन्होंने ये भी कहा कि अब बीआरएस और बीजेपी दोनों दोस्त बन चुके हैं. पहले तो केसीआर जो सीएम है वो तो अपोजिशन मीटिंग जो 26 पार्टीज मिलकर एक यूनाइट हुए हैं अपोजिशन पार्टीज को चलते हुए, वहाँ पर एक बार भी उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की है और अब तो वो बीजेपी के खिलाफ बोलना भी बंद कर दिए हैं. क्या उनके अंदर से इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है, इस तरह की बात कही डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे एआईसीसी चीफ ने. अल मिसर टूर्स एंड ट्रैवल्स का सेलिब्रेट करें मिलादुन नबी इन मदीना. जी हाँ, 15 दिन का ये डिलक्स पैकेज जिसका डिपार्चर है 23 सितंबर और रिटर्न है 7 अक्टूबर को सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 रुपए में. स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें. उसके बाद हम बात करते हैं नो रिस्ट्रिक्शन ऑन यूजिंग रेसिडेंशियल होम फॉर रिलीजियस प्रेयर्स. कर्नाटका हाईकोर्ट का एक बड़ा बयान आते हुए एचबीआर लेआउट जो बेंगलुरु में है वहाँ के रेसिडेंट्स ने कंप्लेंट की थी कि उनकी एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर एक पर्टिकुलर फ्लैट या अपार्टमेंट जो जगह होती है वहाँ पर लोग जो है उसे रिलीजियस प्लेस बना दिए हैं, यानी मस्जिद बना दिए हैं, जिसकी वजह से दूसरों को डिस्टर्बेंस हो रहा है. इस तरह की बात की गई तो हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है और किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है और उन्होंने इस मैटर को स्क्वैश कर दिया है. ठीक है, अपने अपने धर्म की बात होती है तो आई थिंक हमें एक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म के रहने दो. अगर अपने रेसिडेंशियल प्लेस पर अगर वो जगह बनाते हैं प्रेयर करने के लिए, देखो ये खुदा को मानने की बात चल रही है, प्रार्थना करने की बात चल रही है. मैं ये मानता हूँ कि लाउड स्पीकर वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कुछ वहाँ पर जो है कुछ लाउड अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए. अनलेस एंड अनटिल अगर वो नहीं होता है, चाहे वो कोई भी धर्म, क्रिश्चियनिटी रहो, हिंदू रहो, या मुस्लिम्स रहो, या सिख रहो, जो भी रहो, आप अपना इंटरनल अगर आप रिलीजियस प्रेयर्स अगर आप करते हैं एक हॉल लेकर सभी लोग यूनाइट हो सकते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए. उसके बाद गुरुद्वारा डिस्ट्रिक्ट से खबर आते हैं जहाँ पर एमएलए मैडम कनीस फातिमा साहिबा यंग एंड डायनामिक लीडर फराजुस्सलाम ने आज मुलाकात की रेशन के शॉप ओनर के साथ और खुर्शीद अहमद जो खुसरो जागीरदार और फूड डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद रहे. रेशन के चलते काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही थी, मैडम से हमने भी इस बारे में बात की थी. उन्होंने आज पर्सनली विजिट किया रेशन के डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को और वहाँ पर क्वालिटी क्या प्रोवाइड की जा रही है उस पर उन्होंने बहुत ही गौर फिक्र की और बेस्ट क्वालिटी इस्तेमाल की जाए और कंप्लेंट कुछ भी नहीं आना चाहिए. इस दौरान मैडम गणेश फातिमा साहिबा ने बताया. स्कॉलरशिप के चलते जो इशू चल रही थी उस पर मैडम गणेश फातिमा साहिबा ने आज एक कैंप रखा गया था एमएसके मिल जलानाबाद में, जहां पर वहां के कॉरपोरेटर इरफाना परवीन खालिद कॉरपोरेटर और वार्ड नंबर 41 के कई सारे सीनियर लीडर, कांग्रेस लीडर मोहम्मद खालिद अहमद, शेख हुसैन इमरान साहब डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस, सब लोगों ने यहाँ पे विजिट किया. एमएलए मैडम गणेश फातिमा साहिबा के साथ यहाँ पर फराजुस्सलाम भी मौजूद रहे और प्रोसेस को आगे चल के अगर आगे बढ़ता है डेट आगे बढ़ती तो बहुत बेहतर होगा. उन्होंने जितनी हो सकी उतनी वहाँ पर कोशिश की. गुलबर्ग रूरल बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट ने आज एक प्रेस मीट की कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ और उन्होंने कहा कि वो प्रेशराइज कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, जिस तरह से बीजेपी पार्टी लीडर मणिकांत राठौर को अरेस्ट किया गया है. इल्ला सल्लद आरोप दाखल मूलक इन सुमार निरंतर
चुनाव नर इक बता सो यदे कारण इलादे ठान कैसी मुंजान सायंकाले पोलिस ठानी कूड़ोदू इवतु जन होराट के करणी सदर्भली अदे वो नेपू इवतुर मेले केसल दाखल मुखातर इवतुर बंधस केस नम नम राज्य सरकार महाराज रेस्टोरेंट्स गंज में एपीएमसी कमान के बिल्कुल बाजू आपके लिए आ रहा है डिलीशियस फूड, चाय से लेकर बिरयानी तक और कई सारे आइटम्स आपको मिलेंगे बेस्ट प्राइसेस में, तो अभी विजिट करें। सोशल वर्कर शहनाज अख्तर ने डिमांड की कि स्कॉलरशिप का जो बायोमेट्रिक इशू है इसे इमीडिएटली सॉल्व किया जाए, आई देखते हैं उस पर उनका क्या कहना है। मोहतरमा कनीज फातिमा मैडम को ब्लेम करते हैं, उन लोगों को अपने खुद की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, क्रॉस चेकिंग करनी चाहिए कि कहाँ दिक्कत आ रही है कहाँ नहीं आ रही है। उठे बैठे मैडम को ब्लेम करना छोड़िए। नॉर्थ से जो महबूब अली एजुकेशन डिपार्टमेंट से सीआरपी है, कल से उनको फोन लगाया जा रहा है कि आपने किन स्कूल को इन्फॉर्म किया है, इंटीमेशन दिया है सिटी अकेडमी स्कूल में जो बायोमेट्रिक हो रहा है, कल से वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे। उसके बाद हम ला रहे हैं सुबह महालक्ष्मी लेआउट गंज में ओपन फायरिंग हुई, इसी को चलते हुए केस रजिस्टर किया गया रोजा पीएस लिमिटेड, जहां पर सुनील नामी ये शख्स जो कुछ किरकिरी हुई दो लोग के बीच में और उन्होंने ओपन फायरिंग की, उसके बाद से वो फरार हैं और बताया जा रहा है कि वो मामला क्या हुआ, किस वजह से ये हुआ। इस पर आर चेतन जी जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उन्होंने साइट पर विजिट किया, डीसीपी एसीपी सर और रोजा पीएस सर्कल भी यहां पर मौजूद रहे और इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। वो अपने लाइसेंस्ड बंदूक से ही गोली चलाए थे। कनाडा मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के मेंबर्स ने डिमांड की कांग्रेस को कि 5 एमपी टिकट्स दें वो मुस्लिम कैंडिडेट्स को। कनाडा के आने वाले जो फोर्थ कमिंग मेंबर्स के जो कमिंग में पार्लियामेंट इलेक्शंस आने वाले हैं उसी को चलते हुए ये अहम मामला उन्होंने कहा मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के मेंबर्स ने। आई देखते हैं। मुसलमानों को दिया जाए एक बिदर से, एक हावेरी से, बेंगलोर से और जो है ना मैंगलोर हरवार कोप्पल वगैरह से, चूँकि यहाँ पे मेजॉरिटी मुसलमानों की है। और साथ में हमारी ये दरख्वास्त है कि जो है कांग्रेस के जो सीनियर हमारे जो है नेता हैं वो भी जो है जहाँ जहाँ भी सीट देंगे मुसलमानों के साथ वो जो है उनका सपोर्ट करें, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ना सिर्फ टिकट दिया जाए, टिकट के साथ साथ उनको जिताने के लिए सख्त से सख्त इंस्ट्रक्शन जो है वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को और वहाँ के जिला अध्यक्ष को दिए जाए। आप सब दोस्तों को मैं सभी बता दूँ, आप सभी हमारे बुलेटिन फैमिली मेंबर जितने भी लोग वीडियोस देख रहे होंगे, तो हमारी आज हैशटाउन की संडे यानी साइट विजिट है, यहाँ पर आपके साथ हम लोग मौजूद रहने वाले हैं। संडे टाइम यानी कि टी टाइम और समोसा टाइम रहेगा, बहुत ही शानदार वेन्यू है, आप ज़रूर अपने फैमिली से विजिट करिएगा और देखिएगा ये स्पेस। ये बहुत ही लिमिटेड प्लॉट्स हैं, ऑलरेडी प्लॉट्स की बुकिंग चलती जा रही है, तो आप ज़रूर विजिट करें और देखें लेआउट को और आप आगे बढ़ सकते हैं और हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो याद रखिए 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आप विजिट कर सकते हैं और हमारे साथ रह सकते हैं। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में, जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे मदर टेरेसा की बर्थडे के मौके पर हमने आपको यह थॉट लाया है, देयर इज नो की टू हैप्पीनेस, द डोर इज ऑलवेज ओपन, यानी कि खुशियां की कोई चाबी नहीं होती है, खुशियों में दरवाज़ा हमेशा खुला रखती थी। अच्छी और प्यारी बात मदर टेरेसा जी ने की है और हमेशा से मदर टेरेसा जी के काम जो हैं बहुत ही शानदार रहे हैं, एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करके वो गई हैं मदर टेरेसा इंसानियत का। हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स आर ब्रॉट यू बाय अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हर जुमरा सर्विसेज नियर पाकिस्तान अपोजिट इनामदा पेट्रोल पंप दरगाह रोड गुलबेगा। हेल्थ बेनिफिट्स में आज हम बात करते हैं कि कैसे हम हेल्दी रहें। सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, एक्टिव रहें, अल्कोहल को अवॉइड करें, स्मोकिंग को गिव अप करें, मेंटेन योर शुगर लेवल्स, वेट को लॉस करें और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करें और हेल्दी खाएं, आप जरूर हेल्दी रहेंगे। कॉमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय रॉयल ओक इंटरनेशनल फर्नीचर, जहां पर आपको मिलते हैं ढेर सारे इंटरनेशनल फर्नीचर एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, क्योंकि यहां चल रहा है मॉनसून फेस्टिवल। SRS मेगा मॉल तीमापुर सर्कल को विजिट करना ना भूलें, रॉयल ओक। उसके बाद ड्रॉप इन होते हैं हमारे कॉमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कॉमेंट आया अफरोज अंजुम का, लिखा सलाम वालेकुम, आयशा सैयदा ने सलाम लिखा है, वालेकुम सलाम, अब्दुल हफीज ने सलाम लिखा है, सैयद समी लिख रहे हैं केबी न्यूज बिदर की है, वो अच्छी न्यूज देते हैं, आप भी थोड़ा अच्छा डालो, बाहर की न्यूज डालो, कल की बुलेटिन में ये बोलते कि नहीं मैसेज देखता हूँ भाई, इसमें
देख रहा हूँ, देखने की बात नहीं है। अगर आपके कमेंट्स कैसे भी रहो, जैसे भी रहो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव रहो, हम कमेंट्स डालते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी न्यूज़ आपको देने की कोशिश करें। समीर साहब, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सलाम लिखा आप सबको, वालेकुम सलाम। हबीब 78 से लिख रही है, जो हमारे डॉग होते हैं सिटी कॉरपोरेशन को पहले करते थे, बचपन में देखा था कि पॉइजन देके मारते, पॉइजन देके मारना नहीं है, अब वो एनिमल जो लॉ है उसके अगेंस्ट जाता है, उन्हें पकड़ कर ही कहीं छोड़ देंगे तो बेहतर रहेगा। गुलबर्ग हॉस्पिटल क्लीन नहीं है, ऐसा शोर पर कितना अच्छा क्लीन सफाई है, गुटखा तंबाकू खाकर गुलबर्ग हॉस्पिटल को पूरा बर्बाद कर दे रहे हैं। मैंने आज पासपोर्ट ऑफिस के बारे में भी बस सुना है, मंडे के दिन उसका वीडियो बनने वाला है, पासपोर्ट ऑफिस में भी हालत बहुत खराब है। अमीरुद्दीन लिख रहे हैं, तारवे मिर्ची गोदाम मिजबा नगर के पास भी काफ़ी सारे कुत्ते हैं, जी हाँ, उसको चलते हुए मैंने आज बात की, मंडे को मेरा अपॉइंटमेंट है। मैं शाहबाद से हूँ, बहुत शुक्रिया के MDC स्कीम के बारे में लोगों तक बताने के लिए, अब्दुल कलाम सौदागर लिखे हैं। इमरान रोश ने भी सलाम लिखा है, मोहम्मदी मैडम ने भी ऐसे लिखा है कि बहुत ही अच्छा फैसला है, मौत की खबर साथी है, मौत हक है, लिख रहे हैं WWE के लिए इमरान OH। फरमा रहे बारिश की तरस रही है, बारिश के लिए सब मिलकर प्रेयर करना चाहिए, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। बिल्कुल सही कहा आपने। अब्दुल करीम खान ने भी मिसबा नगर में आवारे कुत्तों के बारे में लिखा है, बिल्कुल सही कहा आपने। और KMDC लोन के अप्लाई करने के 2018-19 में लिंक, लेकिन अभी तक बैंक प्रोसेस बता रहा है, अब्दुल रहमान कर रहे हैं, तो आपको वहीं पर कांटेक्ट करना होगा। हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे इसके लिए, क्योंकि इस इश्यूज़ के लिए जो आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में फॉलो करें वहीं पर आप फॉलो करेंगे, तो आई थिंक दैट विल बी आइडियल। इमरान शेख ने भी जो है मिलत नगर में भी बहुत सारे डॉग्स हैं उसके बारे में लिखा है। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, Shahin Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis.